आईपीएस के रिश्तेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा। आईपीएस के ससुर पर गैंगस्टर एक्ट। शोकी का संदेश, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये एफआईआर की कॉपी देखिए, ये सबूत है कि योगी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। न्याय के तराजू पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई अफसर नहीं। छोटा हो या फिर बड़ा अधिकारी, या फिर हो किसी का कोई रिश्तेदार, नेता हो या फिर मंत्री संतरी, गलती में कोई ना रहे, क्योंकि गलती नहीं होगी माफ। जी, ये एफआईआर की कॉपी पैगाम है उन अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को जो कद का रौब और पद के ओहदे की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो गरीबों पर जुल्म और कानून के लंबे हाथों को खिलौना समझते हैं, ये सोचकर कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर ये योगी की सरकार है जो साफ कर रही है कि गलत किया है तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं ये एफआईआर की कॉपी क्यों आज यूपी के सियासी गलियारों से लेकर आईएएस आईपीएस लॉबी तक में चर्चा का विषय बनी हुई है, और कौन है वो आईपीएस जिसके ससुर पर दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए आप। ये है रामेश्वर सिंह यादव। रामेश्वर यादव किस आईपीएस के रिश्तेदार हैं वो आगे आपको बताएंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि मामला है क्या। रामेश्वर यादव और उनके भाई योगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले इन दोनों भाइयों को भू माफिया घोषित किया जा चुका है। लगातार अवैध कब्जे और धमकाकर आतंक फैलाने के चलते पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई तक की है। रामेश्वर सिंह यादव सपा के नेता भी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के दामाद कौन है। दामाद है इनके धर्मेंद्र यादव, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब सपा की सरकार थी तब धर्मेंद्र बेहद मजबूत आईपीएस अधिकारियों में से एक थे। यानी संदेश साफ है कि अवैध कब्जाधारियों पर योगी बाबा का बुलडोजर कोई रहम नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे कोई किसी का रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अवैध कब्जाधारियों की खैर नहीं है, लोग अवैध कब्जा या तो खुद हटाने को मजबूर हो रहे हैं, नहीं तो बाबा का बुलडोजर है ना। तो ये कार्रवाई संदेश है उन अधिकारियों को भी जो समझते हैं उनके रिश्तेदारों पर कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।